हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। आज मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में जो कि इंडस्ट्रीज में उन ट्रांसफार्मर का यूज़ होते हैं। क्योंकि जब आप ट्रांसफार्मर के टाइप्स को देखोगे ना, तो उसे डिफरेंस टाइप्स से जो है डिफाइन करा जा सकता है। जैसे कि फेज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंगल फेज, थ्री फेज, पॉली फेज, फिर कोर के हिसाब से भी उसे जो है डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको टू द पॉइंट बताऊँगा इंडस्ट्रीज में जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है उसका। ओके, उससे पहले एक बात ये बताना चाहूँगा कि ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर इस प्लेलिस्ट का ये तीसरा वीडियो है। तो बाकी का दो वीडियो अभी तक आपने चेकआउट नहीं करा तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, आप एक बार इस वीडियो को जरूर चेक कर लें। एंड चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखो गाइज, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली तीन टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। पहला हो गया पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड तीसरा हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर। ये आप गूगल पे भी जाओगे ना तो आपको इन तीनों का नाम पता चल जाएगा। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ये आपके करियर के लिए मैटर रखता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। तो पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है अपने पावर जनरेटिंग स्टेशंस में, जैसे कि हो गया थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, इन सभी में। तो एक्चुअली होता क्या है कि थर्मल पावर प्लांट हो या फिर हाइड्रो पावर प्लांट हो, तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 11 केवी तक का जो है पावर को वहाँ पर जनरेट किया जा सकता है। बेसिकली ये करा गया कि पावर जनरेटिंग स्टेशन में जो 11 केवी आपका पावर जनरेट हुआ, उस चीज़ को जो है पावर ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है स्टेप अप करा गया। यानी कि अगर आपके जनरेटिंग स्टेशन में 11 केवी का पावर को जनरेट होता है तो वहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर को लगा करके उसके आउटपुट से जो वोल्टेज का रेटिंग है उसे जो है बढ़ा दिया जाता है। सपोज़ मान लो 33 केवी या फिर 66 केवी, एज पर रिक्वायर्ड जो है आप अपने वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हो। अब क्या है कि आप अपने पावर को जितने दूर ले जाना है ले जाइए, आपका जो बीच में जो ड्रॉप होगा वो बहुत कम ड्रॉप होता है। तो पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड है उसमें कौन से टाइप का कनेक्शन होते हैं। तो देखो गाइस, पावर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड में दोनों का कनेक्शन सेम रहता है एंड वो कनेक्शन है गाइस अपना डेल्टा कनेक्शन। एंड ये जो इमेज देख रहे हो ये अपना डेल्टा कनेक्शन है। एंड अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ट्रांसफार्मर का यूज होता है वो सभी जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है कि अपने जो वोल्टेज का रेटिंग है उसको स्टेप डाउन कर देता है। सपोज मान लो आपके प्लांट पे 33 केवी आए, तो डायरेक्टली आप 33 केवी को अपने अप्लायंस के ऊपर जो है यूज़ नहीं कर सकते हो, तो उसे जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू लाया जाता है जहाँ पर उसके वोल्टेज का रेटिंग को एज पर रिक्वायर्ड हम लोग जो है उसे स्टेप डाउन करते हैं 6.6 केवी पे या फिर 433 वोल्टेज पे। एंड उसके बाद हम लोग जो है उसे यूज़ में लाते हैं। ओके, सो ये बात भी याद रखिएगा कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका यूज़ बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में होता है। ओके, एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में जो है डेल्टा कनेक्शन रहता है, सेकेंडरी साइड में स्टार कनेक्शन जो है किया जाता है। सेकेंडरी साइड में आपको जो स्टार कनेक्शन है वहाँ से जो है न्यूट्रल को निकाला जाता है, जैसे कि आप इस इमेज को देख के समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसका नाम है गाइस इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर। तो देखो, बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर जो है दो टाइप में डिवाइड करा गया है। एक हो गया है अपना पीटी एंड दूसरा हो गया अपना सीटी। पीटी का नाम है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी का नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर। ये जो पीटी है, इस पीटी का यूज़ करके हम लोग हाई वोल्टेज को जो है मेज़र कर सकते हैं। सपोज मान लो कि 11 केवी का कोई केबल है तो आप जो है उसमें क्लैंप मीटर लगा करके उसका करंट जो है आप चेक नहीं कर सकते हो, आपका क्लैंप मीटर ब्लास्ट कर जाएगा। या फिर वोल्टेज चेक करना है तो आप मल्टीमीटर से उसका वोल्टेज को जो है चेक नहीं कर सकते हो, आपका मल्टीमीटर भी जो है ब्लास्ट कर जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या है कि इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर, जैसे कि वोल्टेज अगर मेजर करना है तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड करंट अगर मेजर करना है तो करंट ट्रांसफार्मर का जो है यूज आज के टाइम पे हम लोग करते हैं। एंड हम लोग जो है हाई वोल्टेज जो अपना एचटी रहता है, हाई टेंशन वोल्टेज या फिर करंट, उसे जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो तीन ट्रांसफार्मर के बारे में बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके बारे में जानना ही चाहिए, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री पे आते हो इसी तीन ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है आपको वर्क करना रहता है। सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से 1% भी हेल्प मिला हो, इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों तक एटलीस्ट जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। एंड आप अपना फीडबैक
कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ, मैं मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ आपके कमेंट से। स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल पर, आपको जो है डिफरेंस टाइप्स से जो है समझाया जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जितने भी मेरे नॉलेजेस हैं मैं उसमें जो है मैं इस चैनल पर जो है शेयर कर देता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं आए हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। हर वीडियो में मैं बोल बोल कर थक गया हूँ, इस जो पोस्ट देख रहे हो इस तरह के पोस्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।